ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एवं सैफी चेयरमैन नरेंद्र कुमार बंछोर ने भिलाई के लीज धारकों की आवश्यकताओं को देखते हुए बीएसपी प्रबंधन से लीज ट्रांसफर केस तथा लीज के शेष राशि भुगतान केस की लीज डीड रजिस्ट्री की प्रक्रिया प्रारंभ करने चर्चा की है। भिलाई इस्पात संयंत्र के नगर सेवाएं विभाग ने सकारात्मक रुख दिखाते हुए इस प्रक्रिया को शीघ्र प्रारंभ करने का आश्वासन दिया है। इस प्रकार लीज डीड पंजीयन का द्वितीय चरण शीघ्र ही आरंभ होगा। नगर सेवाएं विभाग द्वारा इस संदर्भ में आवश्यक तैयारियां की जा चुकी हैं। बीएसपी ओए अध्यक्ष नरेंद्र बंछोर इस कार्य के लिए नगर सेवाएं विभाग से सतर्क चर्चा जारी रखे हुए हैं। नरेंद्र बंछोर के नेतृत्व में भिलाई इस्पात संयंत्र के 4500 लीज धारकों के लीज डीड का पंजीयन कार्य आरंभ किया गया है, जिसमें ओए बीएसपी तथा हाउस लीज समन्वय समिति की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। नरेंद्र बंछोर के प्रयास से भिलाई के लीज धारकों के लिए प्रगति भवन में दो हेल्प डेस्क भी निरंतर कार्य कर रहे हैं। वर्तमान में प्रथम चरण के लीज धारक अपने लीज डीड रजिस्ट्रेशन के लिए हेल्प डेस्क का लाभ उठा रहे हैं। इसकी जानकारी बीएसपी ऑफिसर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष एन के बंछोर ने दी। हम लोग ने ये 15 जुलाई से हेल्प डेस्क बनाया था। आप सबको विदित था कि इसके लिए वो काफी समय से प्रयासरत था कि जो लीज डीड 1999 से लेकर 2003 तक जो लीज डीड बनाए कि लीज रजिस्ट्रेशन किया हुआ, उस समय एक एग्रीमेंट बीएसपी और एक लीजधारी के बीच में हुआ था। उसको प्रमाणित करने के लिए, उसको वैध बनाने के लिए हम लोग चाहते थे कि लीज डीड का रजिस्ट्रेशन हो। उस पर हम लोगों ने काफ़ी समय से प्रयास किया और हम लोग की पूरी टीम वर्तमान में हमारे मुख्यमंत्री जी से 3 बार मिली, इससे पहले भी पूर्व मुख्यमंत्री से हम लोग मिले थे। तो ये प्रयास हमारा था कि इसका रजिस्ट्रेशन हो, और ये काम जब सरकार ने इसका और आगे कदम बढ़ाया तो हम लोगों ने इस काम को यहाँ पे दो हेल्प डेस्क चालू किया। और उनका प्रयास था कि हमारे बहुत सारे लीज धारक जिन्होंने उस समय 2001, 2002, 2003 में लीज के मकान लिए, आज वो करीब 40% लोग उसमें से सेवान्वित हो चुके हैं। और रजिस्ट्रेशन कार्यालय में घूमना या नगर सेवा में घूमना बड़ा मुश्किल था हमको अपने एक एक काम को, तो उसके लिए एक हमारा प्रयास था कि एक ही जगह पर इनको सब सुविधाएँ दी जाएँ। रजिस्ट्रेशन के लिए डेफिनेटली आज इनको दूर के रेस्टोरेंट ऑफिस जाना होता, बाकी प्रक्रिया बहुत आसानी से यहाँ से हो जाती है। तो वो हमारा प्रयास था। और आज की तारीख में, आज पिछले 2 महीने में हम देखें तो 600 रजिस्ट्री इसमें हो चुकी है, लिस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन हो चुका है। अभी करीब 800 आवेदन नगर सेवक द्वारा स्क्रूटनाइज किए गए, जिनको 200 मत आओ मान के चलिए 200 लिस्ट डीड का रजिस्ट्रेशन होना अभी बाकी है, जो आने वाले हफ्ते में होगा। और साथ ही साथ करीब और 600 हमारे पेपर्स हैं जो यहाँ से क्लियर हो गए, जो नगर सेवा को भेजे गए हैं, जिस पर नगर सेवा को उसको स्क्रूटनाइज करके उसके पेपर के वेरिफिकेशन के बाद उस पर रजिस्ट्री होगी। तो आज की तारीख में करीब 1400 हमारे लीजर ऐसे हैं जिनको इस हेल्प डेस्क का लाभ हुआ है। और हम लोगों ने प्रयास किया है कि अभी पिछले हफ्ते ही हमारी मीटिंग हुई थी प्रबंधन से, जिसमें हम लोगों ने यह डिमांड की कि अब जो सेकंड लीजधारी है, मान लीजिए किसी लीजधारी ने अपने परिवार के सदस्य के नाम से लीज का ट्रांसफ़र किया हुआ, तो उनका भी रजिस्ट्रेशन का लीज रजिस्ट्रेशन का काम चालू किया जाए। और उसके बाद जो बीएसपी के दूसरे कर्मचारी अधिकारियों ने लीज के मकान अपने दूसरे साथियों से खरीदे हैं, उनका भी एक धीरे धीरे करके लीज का ट्रांसफ़र की प्रक्रिया की जाए। तो ये हमारा प्रयास था कि इस पर जितने भी हमारे लीज धारक हैं इस क्षेत्र में, उनको इस सुविधा का लाभ मिल सके। हमेशा इस तरह के और प्रयास हम हमेशा करते रहते हैं। हम लोग ने अभी EPS 95 का भी हमारा हेल्प डेस्क चालू किया था, करीब 1 साल से ज़्यादा का समय हो चुका है, उस पर भी काफ़ी काम हम लोग कर रहे हैं। तो ये हमारे प्रयास हैं और अभी नए कार्यकाल में और भी प्रयासों को तेज़ी दी जाएगी। पिछले 2 महीने से लीज धारक कंटिन्यू आ रहे हैं, उसको पूरे हर प्रकार से सपोर्ट कर रहे हैं और फाइनल रजिस्ट्री तक का अपन कर रहे हैं। उसको कोई भी प्रकार का प्रॉब्लम लीज धारक को नहीं पड़ा। मैं अपने पड़ोसी हमारे महंत यादव जी हैं, उनके क्वार्टर के लीज के रजिस्ट्री के संबंध में बात करने के लिए इनके पास आया हूँ। ऑफिसर एसोसिएशन में जो इन्होंने जन सेवा केंद्र के तहत ये लीज रजिस्ट्री के लिए उन्होंने जो कार्यालय खोला है उसका लाभ उठाने के लिए हम लोग यहाँ पे आते हैं। तो इसमें ऑफिसर और नॉन एक्स दोनों को ही इसका लाभ मिल रहा है। यहाँ पे सलभ वर्मा जी जो बैठ रहे हैं रजिस्ट्री का कार्य कर देख रहे हैं, इनके पास से हम लोग सेवा का लाभ उठा रहे हैं। ये बहुत ही अच्छा प्रयास है और लोगों से हम लोग सब आग्रह करते हैं कि जितनी जल्दी हो सके सेवा का लाभ उठाएँ, और ये हम लोग के फायदे में है।
नगर सेवाएं विभाग के लीज सेक्शन के द्वारा 800 से अधिक लीज डीड की स्क्रूटनी संपन्न की जा चुकी है तथा 615 लीज डीड का रजिस्ट्रेशन किया जा चुका है। वर्तमान में लीज डीड के पंजीयन में सर्वप्रथम ऐसे लीज धारकों को प्राथमिकता दी जा रही है जो प्रथम आवंटी लीज धारक हैं तथा जिनके सभी दस्तावेज उपलब्ध और सही हैं। अन्य वर्ग को लीज धारकों के लिए लीज डीड पंजीयन की कार्रवाई के लिए नरेंद्र बंशोर द्वारा बीएसपी प्रबंधन से निरंतर चर्चा की जा रही है और इस वर्ग के लीज धारकों के लीज डीड रजिस्ट्री की प्रक्रिया शीघ्र ही आरम्भ की जाएगी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए संजय दुबे।